गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम काव्य राजपूत, आ गई हूँ आपके अपने चैनल पे। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं जा रही हूँ आज बंगला साहिब, पूरे 2 से 3 साल के बाद जा रही हूँ। और आज का दिन है संडे और मेरी फ्रेंड मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रही है, तो अभी दिखाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि मैंने रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो मैंने उसको पूरा आधा से 1 घंटे वेट कराया है मेट्रो स्टेशन पर, तो अभी देखते हैं उसके कैसे रिएक्शन होने वाले हैं। हाँ, क्या बोल रही है? आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ इधर धूप में खड़े खड़े। अच्छा, आधे घंटे बाद? आधा घंटा नहीं हुआ है, 10 मिनट हुए हैं सर। आधा घंटा हो गया? आधा घंटा नहीं हुआ, ठीक है। आधा घंटे से? हाँ, हमेशा तो ऐसे ही बोलती है, ठीक है ना। ये बोल तो जस्ट अभी अभी आई है, मुझे सब पता है। हाँ हाँ, आपने मुझे बेफिक्र है, मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। चल ठीक है, चले। गाइस देख रहे हैं आज पुष्पा ने की है इतना अच्छा हेयर स्टाइल, मेरे को भी सीख रही हो यार। मेरे को ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। लोगों को भी सीखना है तो आप सभी को सिखाएंगे। और हमने लिया है टोकन, मेट्रो से जा रहे हैं हम। और मैं आपको बताती हूँ, आज संडे है तो संडे को हमारा 30 रुपीज़ का टोकन लगने वाला था, लेकिन आज हमारा लगा है 30 रुपीज़ का। और हम जा रहे हैं पटेल चौक घूमने, आ सकते हो। हाँ, और ब्लॉग में बने रहिएगा, आज हम आपको पूरा बंगला साहिब घुमाने वाले हैं। और बंगला साहिब चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। सो गाइज, हम येलो लाइन से जा रहे हैं और हम लेने वाले हैं अभी पटेल चौक के लिए मेट्रो। और ये पुष्पा मैडम को देखो, ये इतनी स्पीड से चल रही है हील्स में भी, मैं तो नहीं चल सकती हील्स में स्पीड में भाई। मुझे तो ये आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे सब कुछ आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है खाने पीने के लिए। गाइज, हम बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। सो अभी मैं आपको गुरुद्वारे का व्यू दिखाने वाली हूँ, मेन एंट्रेंस, जहाँ से मेन एंट्री होती है गुरुद्वारे की। और ये दिल्ली का सबसे फेमस बंगला साहिब गुरुद्वारा है। तो गाइज, आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि आज संडे का दिन है। हमने गुरुद्वारे में अंदर एंट्री कर ली है, अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं स्ट्रेट जाके। हमें राइट की तरफ मुड़ना है, जहाँ पे मेन बाबा जी हैं, जहाँ पे बाबा जी के हमें दर्शन करने हैं, मत्था टेकना है। इस लड़की को देख रहे हैं आप, कितना मुस्कुरा रही है। मेरे को छोड़ के चली गई थी और मुझे इसको ढूंढना पड़ा पागलों की तरह, मतलब हद ही होती है। अभी हमने सर पे ये बांध दिया है, गुरुद्वारे में इसके बिना एंट्री नहीं होती है, क्योंकि मत्था टेकते समय कहते हैं कि हमारा सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। अभी हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर जा रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा जाके। तो आप ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। बस अभी हम एंट्री करने वाले हैं गुरुद्वारे में और अभी हम मत्था टेकेंगे, उसके बाद आपको पूरा गुरुद्वारा घुमाते हैं, पूरा गुरुद्वारा के और दर्शन कराते हैं। पुष्पा तो बहुत ज्यादा थक चुकी है, थकेलू है ये इंसान भी ना। अभी ले जाते ना अभी गोवा वाले बीच पे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी इसको, लेकिन दर्शन के लिए लेकर आई ना। तो गाइस, ये हमारी दिल्ली का सबसे बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, यहाँ पे बहुत श्रद्धा है, बहुत मान्यता है यहाँ की। तो आप भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली, जो कि पटेल चौक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। सुनो,
व्यू बंगला साहिब गुरुद्वारे का। नाइट में पूरा का पूरा लाइटिंग से सजा हुआ होता है और नाइट में तो ये और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, तो प्रसाद के लिए आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और मुझे तो यहाँ का प्रसाद बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हलवे का प्रसाद होता है सूजी एंड शायद मूँग की दाल, हल्का हलवा मिक्स होता है। तो ये आप देख रहे हैं प्रसाद लेने के लिए लाइन लगी हुई है। सो गाइज, बंगला साहिब गुरुद्वारा आए हुए थे, बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। तो जो सुकून लेना चाहते हैं सारे टेंशन से, चिंता से मुक्त होके, तो वो गुरुद्वारे आ जाइए और फटाफट से आके दर्शन कर लीजिए, अपने मन की शांति ढूंढ लीजिए। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी आके दर्शन करें। बाय।